का हिस्सा था। इसलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को तो हम लोग को पैर पूजना चाहिए उनका, उनके कारण बीजेपी की लाज बिहार में बच गई। तो आप मतलब बीजेपी की रणनीति को पूरी तरह से फेल बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मोदी का कोई जादू नहीं चला, सारा जादू नीतीश कुमार ने किया। बिहार का जो नेतृत्व है वह तो बिल्कुल ही फेसलेस है। बिहार के बीजेपी के लोगों ने बीजेपी का जो नेतृत्व है अभी है और किसी काम का नहीं। सम्राट चौधरी जी कुछ अविलंब नैतिक तौर से उसको इस्तीफा करना चाहिए उसको। आप सम्राट चौधरी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ, कोई विवाद खड़ा हो विवाद से संजय पासवान नहीं डरता होता है। अभी अश्विनी चौबे जी फ्री हो गए, उन्हीं को संभाल लेते, वो फ्री हो गए बेचारे, वो कहा गवर्नर बने जाएंगे, बताए क्यों गवर्नर बनेंगे। महिलाएं पूरी तौर पर नीतीश के साथ, महिलाएं नीतीश के साथ खड़ी हैं। जहां जदयू का तीर वहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, ये अलग बात है कि बीजेपी को भी जहां उम्मीदवार रहा वहां नीतीश की वो महिलाएं खुलकर सामने, जहां महिलाएं नहीं निकली आप सातवें पेज में आप देख लीजिए, जिन कंस्टिट्यूएंसीज में महिलाएं नहीं निकली वहां बीजेपी की हार हुई। और उस दौर में जो विश्लेषण आया तो उसकी बड़ी आलोचना भी हुई, मुझे वो आलोचना भी सहनी पड़ी कि भाई ये कैसा विश्लेषण, भाई महिलाओं का क्या हस्बैंड से अलग स्टैंड ले सकती हैं महिलाएं क्या? और उस दौर में हमने कहा था कि जिसके पति आरजेडी के वोट किए हैं उनकी पत्नी भी जदयू और बीजेपी को वोट किया, तो बड़ा लोग इसको एक अलग तरीके से क्रिटिक रूप से लोग देखते थे, ना ना ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें बहुत मुश्किल था वो समझाना, उस दौर में भी संजय पासवान जी से हमारी बातचीत हुई, लेकिन कल इन्होंने जो उस बातों को सार्वजनिक तौर पर एक पार्टी में रहते हुए इन्होंने जो स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है, सत्य को स्वीकार करना। ये संजय जी सत्य से सरोकार और स्वीकार ये बहुत मुश्किल होता है राजनीति में, लेकिन आपने खुल्लम खुल्ला उस सार्वजनिक मत से स्वीकार किया। संतोष जी बहुत आपका आभार, आप तो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैंने आपका देखा था जो आपने विवेचना किया था, और विवेचना के बाद से हमारी भी जो सोच थी उसको और ताकत मिली। देखिए सत्य से सरोकार होना और सत्य को स्वीकार करना, तो मैं कल सरोकार नहीं समझता हूँ, सरकार स्वीकारनीय हो भी सकता नहीं भी सकता है। हम तो स्वीकार किए, आप जानते हैं कन्फेशन करना, कन्फेस करना सभी धर्मों में, टू कन्फेस ये बड़ी बात है, ये बड़े दिल का लोग जो है कन्फेस करता है। तो मैंने उसी ढंग से कहा और संयोग से मेरे मुंह से निकल गया, मैं कोई सोच के नहीं गया था, मैं गया था स्वामी सदानंद का था प्रोग्राम, लेकिन मुझे लगा कि साहब वहां पे इस बात को रखना चाहिए। और देखा मैंने चुनाव के कैंपेन के दौरान देखा हमने कि चुनाव कैंपेन के दौरान महिलाओं ने जिस ढंग से एग्रेसिवली वोट किया, जिनके पुरुषों ने जिनके पुरुष आरजेडी में कांग्रेस में थे, माले में थे, सीपीआई में थे, उन सब की महिलाओं ने भी कहा कि नहीं नहीं हम तो वोट देवे तीरे छाप के देवे वोट, तो तीर कमल ने बोला तीर छाप भी बोला, तो हमको लगा कि नीतीश कुमार का ये है। फिर दूसरा जो बड़ा वोट बैंक है वो अति पिछड़ों का है, अति पिछड़ों का वोट का भी अधिकांश जो हिस्सा है वह नीतीश कुमार के साथ है, ये सब देखा हमने। कुल मिला के हम लोग क्या है कि हम लोग को थोड़ा बीजेपी को लोग एक तो जो कहा ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण जो है वो इस बार नहीं दिखाई पड़ा, तो हम लोग को लोग चाहता है कि उस धुरी पर हम भी ना रहें, ये चाहता है, लेकिन अधिकांश चाहता है कि साहब धार्मिक ध्रुवीकरण करने में बीजेपी माहिर है, इस बार लोगों ने उसको नकार दिया है, मैं उसको स्वागत करता हूँ। हालांकि जातीय जुटान हुआ है और डिफरेंट शेप में हुआ है, कुछ कास्ट में मतलब यहाँ कास्ट पूरा होलसेल नहीं गया है, कुछ परसेंटेज कास्ट का आरजेडी को दिया, कुछ ने कांग्रेस को दिया, कुछ ने बीजेपी को दिया, कुछ ने जेडीयू को दिया, इस टाइप से हुआ है, कहीं माले कारण दिया है उन लोगों को, कहीं जेडीयू कारण हमको दिया है, तो कुल मिलाकर की स्थिति आप जानते हैं बड़ा हिस्सा जो बीजेपी का था जो भूमिहार समाज का बड़ा हिस्सा रहा है या सवर्ण समाज का, हालांकि वोट हमको अधिकांश पड़ा उसमें है, लेकिन एक होता है ना एक उदासीनता थी, जो सवर्ण समाज में एक उदासीनता थी वो भी हमारे नुकसान कारण हो सकता था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ होने से वह उदासीनता भी वोट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए मैंने कल जो बयान अपना दिया है उसमें मैं अभी भी कायम हुआ, आगे कायम रहूंगा, मुझे इस बयानों से बयान देने से बहुत ही नहीं अच्छी, आप जानते हैं कि मैं क्रिटिक रहा हूँ नीतीश कुमार जी का, लेकिन क्रिटिक होने के बावजूद भी इस बार तो मैंने उनका रोल देखा, भूमिका देखा, और जो कुछ कभी लगा कि अटपटा सा कुछ कर रहे हैं व्यवहार कर, ये उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा था, मानता हूं उनके रणनीति का हिस्सा रहा होगा वो, इस कारण से या 400 का 4000 कहा उन्होंने या पैर पकड़ लिया नरेंद्र मोदी जी का, ये उनके रणनीति का हिस्सा था। इसलिए मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को तो हम लोग को पैर पूजना चाहिए उनका, उनके कारण बीजेपी की लाज बिहार में बच गई, सरकार दिल्ली में बन गई, सरकार दिल्ली में बन गई, यस।
मतलब बिहार बीजेपी, आप एक तरह से जो जिस तरह का आपका बयान आया, देखिए सर इस बयान के बाद बिहार बीजेपी के अंदर हलचल बन मच गई है, और ये बयान अब सीधे केंद्र तक जाएगा, मोदी जी शाह जी के पास भी जाएगा। और जिस तरह से समीक्षा लगातार बिहार में बीजेपी अपनी हार के कारणों का कर रही है, मतलब जो उम्मीद थी कि 17 की 17 जीतेंगे, नहीं जीती, सिर्फ 12 सीटों पर सिमट गई, तो आप मतलब बीजेपी की रणनीति को पूरी तरह से फेल बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पर मोदी का कोई जादू नहीं चला, सारा जादू नीतीश कुमार ने किया, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, सुशील मोदी जी साइड हो गए। अच्छा, सुशील मोदी जी को 2-3-4-5 सालों में जानबूझ के जो वर्तमान में नेतृत्व है उसने उनको किनारे कर दिया। अच्छा, तो उस कारण से नुकसान हम लोग का हुआ। सुशील मोदी ऐसे गंभीर नेताओं का, सुशील मोदी ऐसे एक समझदार नेताओं का, भविष्य दृष्टा नेताओं का, तो उनका उनकी उपेक्षा हुई। मैं तो मानता हूँ कि उस उपेक्षा के कारण बेचारे वो जल्दी दुनिया चले गए, तो एक तो वह नुकसान हुआ। दूसरा, जो नेतृत्व वर्ग अभी है जिनके जिम्मे है, चाहे उनका टिकट बांटने का तरीका हो या फिर उनका कैंपेन करने का तरीका हो, ये सब में फेल रहे सबको। और सुनी चौबे से महारथी का टिकट काट देना, वहां कई लोगों का टिकट काट देना, थेरी पासवान का टिकट काट देना, वहां काट करके मतलब कि किसी और जाति के लोगों को दे देना, मतलब अश्विनी जी का काटा आपने ब्राह्मण को दिया, वहां पर पासवान को दिया होता, किसी एबीसी पासवान देता हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस ढंग से स्थितियां जो कुल मिला के हुई, तो टिकट बांटने से लेकर के कैंपेनिंग करने तक में जो तरीका रहा उनका, वो तरीका बिल्कुल अपरिपक्व ढंग से किया इन लोगों ने, और ऐसा किया जिससे कि हम लोग को नुकसान हो जाता अगर नीतीश जी नहीं होते। नीतीश जी ने उसको संभाला, नीतीश जी ही चेहरा है बीजेपी के लिए भी, निश्चित तौर से आगे भी चेहरा वही रहना चाहिए। नीतीश स्वेच्छा से कह दें कि साहब बीजेपी वाला अपना मुख्यमंत्री बना ले, अलग बात है। कुछ दिन पहले देखिए कैंपेन बीजेपी चला रही थी बहुत, सम्राट चौधरी भी मंचों से बोलते थे कि अब तो बीजेपी की अपनी सरकार भी बिहार में बनाएंगे। अभी 2-3 महीने पहले की आपका ये बातें देख लीजिए, अभी अश्विनी चौबे जी हाल फिलहाल में मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए और नीतीश जी को साथ लेकर चले। ये सिनारियो अश्विनी चौबे जी का है कि नीतीश कुमार को बीजेपी लेकर चल रही है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर चल रही है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। नीतीश कुमार हमारी आवश्यकता है। अच्छा, नीतीश कुमार जी हमारी नेसेसिटी है। देखिए सर विधानसभा हमारे हमारे उनको तो ऑप्शन है, महागठबंधन का, हमको क्या ऑप्शन है जी। लेकिन विधानसभा में अभी अब 78 सीटों पर आप हैं और 44 पर नीतीश जी हैं, इस लिहाज से तो नीतीश जी काफी पीछे हैं। कब 78-120 हो जाएगा। अच्छा, कब 78-8 हो जाएगा। पॉलिटिक्स में होता रहता है ये, लेकिन नीतीश कुमार को तो विकल्प भी, हमको क्या विकल्प, हमको छोड़ देंगे अगर वो, क्या विकल्प आपके पास, कोई चेहरा नहीं। नीतीश अगर हम लोग छोड़ देंगे तो जितना हमारा सहयोगी आप देख रहे हैं सभी छोड़ देगा। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि अंतिम समय में जो नरेंद्र मोदी जो फैसला लिए, क्योंकि यस अमित शाह तैयार थे, बिहार बीजेपी की टीम तैयार थी, उसे मैं बधाई देता हूँ नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को भी कि वो इसमें हस्तक्षेप किए। हालांकि उस हस्तक्षेप के खिलाफ मैं था, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, पुनः जो हम लोग के लीडरशिप को बौना कर रहे हैं आप। कहा नहीं नहीं भाई, होना है कुछ नहीं बोलना इस बात पे। तो मैं तो उनकी उस बुद्धिमत्ता का, उस दृष्टि का मैं सलाम करता हूँ। वो समझ गए थे यहाँ पे क्या होने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि अगर नहीं होते नीतीश कुमार जी अगर, तो हम जीरो में चले जाते, हम सब लोग, संभावना पूरी थी, या मुश्किल से बखूबी हम लोग जीत सकते, थोड़ा पटना साहिब जीत लेते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इतना वोट हम लोग का है कि उसको जीत सकते। लेकिन वह भी वोट इतना कम हो गया है, जहाँ 4 लाख जीते थे हम सब लोग, हम 1.5 लाख जीते वहां पर। कुल मिला के स्थितियां अपने अनुकूल नहीं थी, उस अनुकूल को करने में हमारे जो बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उन्होंने भूमिका निभाया, नीतीश जी को लाया और हम सब लोग यहाँ पे एक सम्मानजनक सीट पा सके। तब भी 9 सीट 10 सीट हम लोग हारे, बड़ी बात है। 40 में 10 सीट हम लोग हार गए, बहुत बड़ी बात थी, मतलब 25% हम लोग हारे। तो कुल मिला के स्थिति है, तो इसका तो जवाब किसी ना किसी देना होगा। बिहार में बीजेपी अपनी रणनीतियों पर फेल हो रही है। बिहार केंद्र की जितने भी योजनाएं बिहार में आई जिसपे नरेंद्र मोदी का चेहरा, उसका कोई असर आपको लगता है बिहार में हो ही नहीं रहा है? नहीं, वही चेहरा वाला का कुछ लाभ मिला होगा कि बिहार का जो नेतृत्व है वह तो बिल्कुल ही फेसलेस है। बिहार के बीजेपी के लोगों ने बीजेपी का जो नेतृत्व अभी है अब किसी काम का नहीं। सम्राट चौधरी जी कुछ उसको अविलंब नैतिक तौर से उसको इस्तीफा करना चाहिए उसको। आप सम्राट चौधरी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ। एक और आपका ये बड़ा बयान है। बल्कि और विवाद खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो विवाद खड़ा हो, विवाद से संजय पासवान नहीं डरता होता है। हम लोग संवाद नहीं है तो विवाद ही सही, तो बात नहीं करेगा जिसने का संवाद नहीं है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, तो संवाद विवाद माध्यम से हम क्यों मीडिया से बात कर रहे हैं? ये प्रयास किया हमने बात करने का लोगों से, नहीं बात हुई तो मीडिया से बात कर रहे हैं।
ये माध्यम है संवाद करने का। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे कि बिहार बीजेपी को लेकर जो केंद्र की जो राजनीतिक समझदारी रही है या जो राजनीतिक सोच रही है, जिस तरीके से सीनियर नेताओं को साइड आउट करना, ऐसे लोगों को आप जिस चर्चा जिसकी कर रहे थे, ऐसे लोगों को जिम्मेवारी देना, संघ और बीजेपी से जिनका कोई वास्ता नहीं रहा पार्टी में आए और तुरंत उनको जिम्मेवारी दे दिए, ये सिर्फ बिहार में ही नहीं कई राज्यों में ये प्रयोग हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये प्रयोग बीजेपी के हित में नहीं है? देखिए पार्टियों में, पार्टी में लोगों को जोड़ना ये किसी बल के पार्टी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जोड़ के उनको सब कुछ उन्हीं को दे देना। अब हमारे अध्यक्ष जी अध्यक्ष हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सदन के नेता हैं, मतलब ये है कि ठीक है बहुत दिन अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के इनको कुछ पद तो स्वेच्छा से छोड़ना चाहिए। उनको अध्यक्ष रहेंगे कि डिप्टी सीएम रहेंगे कि नेता संगठन नेता रहेंगे हाउस में, ये बात अब सब बात वहां से कहेगा तभी लोग मानेंगे। इसलिए बिहार को भी तो वही पुरस्कार उसी तरीके से मिला। ठीक है जेपी नड्डा जी पे मैं कमेंट नहीं कराऊंगा क्योंकि हमारी मुंह उतनी बड़ी नहीं है, हमारी ताकत उतनी बड़ी, लेकिन मैं कमेंट बिहार के नेता पे कर सकता हूँ। हमारे एक विशाल हम केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं, मतलब मेरी औकात इतनी है, इसलिए मैं उन पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, इनको स्वेच्छा से आगे आने वाले समय में उनको अपने वॉलंटियर करना चाहिए कि मैं तैयार हूँ इस्तीफा देने के लिए, नतीजे हमारे लेते हुए। इसलिए लोग अपने अपने मतलब छाती भी अपने पीठ बजा रहे हैं कि साहब हम जीते जीते जीते। अच्छा, सम्राट चौधरी सर अगर नहीं संभाल पाएंगे आपके हिसाब से बीजेपी को बिहार में, तो कौन संभालेगा? दर्जनों लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, लोग दर्जनों लोग हैं। अभी अश्विनी चौबे जी फ्री हो गए, उन्हीं को संभाल लेते, वो फ्री हो गए बेचारे, वो कहा गवर्नर बने जाएंगे, क्यों गवर्नर बनेंगे, प्रस्ताव दे दिया। हाँ हाँ यही है संभाल, या नवी अध्यक्ष पद पे बने हो, किसी नए आदमी को अध्यक्ष बना दे, लेकिन वह बिहार में रहेंगे तो उनकी उपस्थिति मात्र से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। आप चाह रहे हैं कि बीजेपी का कोई कैडर का व्यक्ति आगे आए सामने, जिसको पता हो बीजेपी की रीति नीति क्या, जो समझता है बीजेपी के, जो बीजेपी के फलसफा को समझता है, रीति नीति को जानता है, ऐसे लोग लाना चाहिए। चलिए मतलब संकेत साफ है कि एक हार ने बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू कर दी, और आने वाले समय में इस तरीके की चीजें बिहार ही नहीं, शुरुआत बिहार से नहीं हुआ है, अन्य राज्यों में भी इस तरीके की बात उठनी शुरू हो गई है। मतलब जो एक तिलिस्म था, जो एक कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु बना था बीजेपी के अंदर, जिस केंद्र बिंदु को शाह और मोदी के रूप में लोग जानते हैं, अब बात वहां तक पहुंचेगी। और अब एक तरीके के, क्योंकि जो भी प्रयोग देश में हो रहा है वो मोदी और शाह का वो प्रयोग, कहीं कहीं उस प्रयोग पर चुनौती तो नहीं है। चलिए इस खास बहस को अब यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारे किसी नए मेहमान से इसी तरीके के अंदाज में मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।